खेल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खेल विकास कोष की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के संबंध में त्वरित गति से कार्रवाई की जा रही है। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहारनपुर फतेहपुर बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण हेतु 20 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मानवर हमारी सरकार के पहले की सरकारों का रवैया प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति घोर उपेक्षा का रहा। प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि अपनी प्राचीन धार्मिक आस्था को प्रकट करना अपराध की श्रेणी में आ गया था। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनरुत्थान का अभियान प्रारंभ किया तो उनका विरोध भी किया गया। कर्मयोगी और पराक्रमी पुरुष विरोध और अवरोध को पराभूत कर अपना मार्ग बनाना चाहते जानते हैं। मैं पक्षी तूफानों में राह बनाता, मेरा राजनीति से केवल इतना नाता, तुम मुझे रोकते हो अवरोध बिछा कर, मैं उसे हटाकर आगे बढ़ता जाता। संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना का कार्य किया गया। वर्तमान में वैदिक विज्ञान केंद्र में वैदिक गणित, वैदिक विज्ञान एवं वैदिक न्याय शास्त्र सहित शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के फलस्वरूप पर्यटकों की संख्या में संभावित वृद्धि के दृष्टिगत 3 पहुंच मार्गों का चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य तथा 6 स्थानों पर पार्किंग तथा जन सुविधाओं के विकास का कार्य किया जा रहा है, जिन्हें आगामी 2 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य है। जनपद मिर्जापुर में प्रसिद्ध माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर, माँ अष्टभुजी देवी मंदिर एवं काली खो मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कराए जाने तथा त्रिकोणीय परिक्रमा पथ को विकसित किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। जनपद अयोध्या एवं चित्रकूट की भांति जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल की स्थापना का प्रस्ताव है। भजन संध्या स्थल की स्थापना हो जाने से तीर्थ क्षेत्र प्रयागराज में श्रद्धालुओं की सुविधा प्राप्त होगी। इसके साथ सांस्कृतिक विकास का कार्य भी किया जा सकेगा। जनपद सीतापुर में प्रसिद्ध तपोस्थली नैमिषारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना से वेदों एवं पुराणों में संरक्षित ज्ञान को आम जन के बीच ले जाने हेतु अध्ययन कार्य किया जाएगा। पर्यटन। उत्तर प्रदेश के पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि की गई है। इससे पर्यटन वृद्धि के राजस्व में वृद्धि होने के साथ साथ अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022-24 करोड़ 87 लाख से अधिक पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 24 करोड़ 83 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 4,10,000 से अधिक रही है। स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अंतर्गत गोरखपुर देवीपाटन डुमरियागंज का पर्यटन विकास। स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अंतर्गत जेवर दादरी सिकंदराबाद नोएडा खुर्जा बांदा को का समेकित पर्यटन विकास जनपद मथुरा स्थित गोवर्धन के पर्यटन विकास हेतु स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना अयोध्या वाराणसी चित्रकूट विंध्याचल प्रयागराज नैमिषारण्य गोरखपुर मथुरा बटेश्वर धाम एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्थित पर्यटन स्थलों का विकास 300 करोड़ रुपए की धनराशि से कराया जा रहा है। शक्तिपीठ माँ शाकुंभरी देवी मंदिर के समेकित पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रयागराज के समेकित विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बौद्ध परिपथ के समेकित पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड का समेकित पर्यटन विकास हेतु 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शुक्र तीर्थ धाम का समेकित पर्यटन विकास हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में युवा पर्यटन को बढ़ावा देना हेतु 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म लखनऊ बोर्ड की स्थापना हेतु 2.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेगा इवेंट हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद हेतु 2.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वन एवं पर्यावरण। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण
प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के का 9.23% है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण में वृद्धि है तो विभिन्न योजनाओं में सड़क, रेलवे लाइन, नहरों के किनारे की भूमि तथा कृषकों की निजी भूमि पर बृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य प्रस्तुत योजना है। वर्षाकाल 2023 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है। सामाजिक मानकीकरण योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पौधशाला प्रबंधन योजना हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में इको टूरिज्म के विकास हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। छात्रवृत्ति योजनाएं पिछड़ा वर्ग के पूर्व दशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 2107 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 962 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की हेतु 530 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 34,50,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण पूर्व से निर्माणाधीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के अविशेष कार्यों हेतु कुल 20.60 करोड़ रुपए तथा निर्मित समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों में फर्नीचर उपकरण आदि की व्यवस्था हेतु 8.64 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र हेतु स्वैच्छिक संगठनों की सहायता प्रदान किए जाने हेतु 10 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु प्रथम चरण में 29 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक कल्याण पूर्व दशम कक्षाओं कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं हेतु योजना के अंतर्गत ऐसे छात्र छात्राओं को जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये है को अधिकतम रुपये 3,000 वार्षिक की छात्रवृत्ति से लाभान्वित किए जाने का प्राविधान है। दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक है अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों की बेहतर शिक्षा के लिए अब तक 24 छात्रावासों एवं 11 विद्यालय भवनों का निर्माण का पूर्ण कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में छात्रावास निर्माण विद्यालय भवन निर्माण हेतु 6,81,00,000 रुपए के बजट में प्रावधान किया गया है। मदरसों मकतबों में आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत मदरसों मकतबों में आधुनिक विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि को पढ़ाने के लिए स्नातक शिक्षक को रुपये 6,000 प्रतिमा, परा स्नातक के साथ बीएड शिक्षकों को रुपये 12,000 प्रतिमा की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त बुक बैंक की स्थापना हेतु रुपये 50,000 विज्ञान एवं गणित किट हेतु रुपये 15,000 आलिया तथा उच्च आलिया स्तर के मदरसों के लिए कंप्यूटर लैब की स्थापना हेतु 1,00,000 रुपये प्रति मदरसा का अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।